हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृशाज वर्ल्ड व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड। तो गाइज, आज की मेरी वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है स्पेशल से भी स्पेशल। तो स्लिम ड्रीम होने का किसको, मतलब किसको अच्छा नहीं लगता कि हम स्लिम ड्रीम रहें, हमारा टमी कम हो जाए, हमारा फैट लेवल बिल्कुल लो हो जाए। तो आज की मेरी वीडियो रहेगी इसी के रिगार्डिंग कि कैसे आप अपना वेट, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप अपना वेट कम कर सकते हैं। आपको देखिए, कुछ एफर्ट्स तो आपको करने ही पड़ेंगे। अगर मैं आपको अपने बारे में मैं बताऊं, तो जब मेरी बेटी हुई तो मेरी बेटी के टाइम पर मेरा जो वेट था, मेरा वेट था 75 kg। तो 75 kg से मतलब ऊपर नीचे ही हो रहा था, ऊपर ही जा रहा था, कम नहीं हो रहा था। तो 75 kg मेरा वेट था। तो अब आज के दिन मेरा वेट 50s में है और मुझे देख के सभी मतलब ये बोलते हैं कि तुम इतनी स्लिम ड्रिम कैसे हो, स्लिम ड्रिम कैसे हो। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं कोई डाइटिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं करती। जो मुझे टाइम पर मिल जाता है मैं वैसे ही खाती हूँ, कोई मैं गर्म पानी नहीं पीती। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में मैंने अप्लाई की हैं, तो शायद हो सकता है कि उनकी वजह से मेरा वेट कंट्रोल में है, तो ज़्यादा मतलब मैं मोटी नहीं हूँ। तो आज की मेरी वीडियोस इसी के रिगार्डिंग है कि जो लोग परेशान हो जाते हैं, स्पेशली ब्यूटीफुल लेडीज़, कि भाई हमें हमारा टमी दिखाई दे रहा है, हमारे सूट फिटिंग नहीं आ रही है अच्छे से, तो इसी के रिगार्डिंग आज की मेरी ये वीडियो रहेगी। तो अब जैसे कि तीज फेस्टिवल भी आने वाला है, उसके बाद फिर करवा चौथ फेस्टिवल भी आने वाला है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि काश हमारा वेट भी थोड़ा सा कम हो जाए, और हम अगर हमें कोई ड्रेस पसंद है और वो ड्रेस हमारे में वो ड्रेस में हम फिट नहीं आ रहे हैं, तो उस ड्रेस में अगर हमें फ़िट होना है, तो सिर्फ आपको यही एक चीज़ सोचनी है, पॉजिटिव अगर हम सोचेंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पॉजिटिव सोच हमें आगे तक ज़रूर लेके जाएगी। तो सिर्फ वही सोच कि हमें उस टाइम पर अपने आपको, हमारा ये टारगेट रहेगा कि हमें उस टाइम पीरियड तक हमें अपने वेट को थोड़ा कम करना है। हमें कोई भी आप टारगेट लगा सकते हैं। अगर आपको कोई ड्रेस पसंद है, आप पहनना चाह रहे हैं लेकिन पहन नहीं पा रहे, किसी भी कारणवश आपको लग रहा है कि भाई हमारा वेट ज़्यादा हो गया है, ये ड्रेस हमें अच्छी नहीं लग रही है, या साड़ी हमारी फिटिंग के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं है, तो हमें हमारा वेट कम करना चाहिए। अब तीज आ रही है, करवा चौथ फेस्टिवल पर भी सभी की, जितनी भी ब्यूटीफुल लेडीज़ हैं, अपने डिफरेंट ड्रेसेस डालती हैं। तो चलिए, आज की मेरी वीडियो इसी के रिगार्डिंग रहेगी कि आप करवा चौथ फेस्टिवल तक अपने वेट को अगर आप चाहें तो आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। आपको कोई भी डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आपको बताऊँगी। लेकिन अगर आपने उनको फॉलो किया, तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी तभी होती हैं कि कुछ हम ट्रिक्स की हम टाइम टू टाइम उसको रेगुलरली अगर हम कर रहे हैं। अब जैसे कि मेरे साथ होता है कि जैसे मान लो मैंने आज एक्सरसाइज कर ली, फिर मैंने उसमें 2 से 3 दिन का मैंने गैप दे दिया, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और कुछ हमारे बॉडी स्ट्रक्चर पर भी बहुत कुछ होता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स का बॉडी स्ट्रक्चर होता है, हमारे पेरेंट्स की जो कदकाठी होती है वो बच्चों में आती ही आती है, तो ये भी एक इशू होता है। तो कहीं ना कहीं जेनेटिक भी होते हैं कि अगर पेरेंट्स स्लिम ड्रिम हैं तो बच्चे भी स्लिम ड्रिम होंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश, अब जैसे लेडीज़ का डिलीवरी के बाद मैंने देखा है कि डिलीवरी के बाद टमी निकल जाता है, फैट लेवल बढ़ जाता है, तो उसको आप कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं? अब कुछ ऐसे हैं कि जो डाइटिंग भी करते हैं लेकिन फिर भी उनका वेट कम नहीं होता, लेकिन उनमें इतनी वीकनेस आ जाती है, तो ये चीज़ें मुझे गलत लगती हैं। आप डाइटिंग करो लेकिन एक आपको उसका एक तरीका होना चाहिए। हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता और हम ऐसे ही भूखा रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर भूखा रह रहे हैं ना, तो हमें उस भूखा रहने से हमारा वेट लॉस तो नहीं होगा, लेकिन हमें वीकनेस जरूर आ जाती है। रात को सोने से पहले आपको एक चम्मच जीरा लेना है, और आप उसको किसी भी बर्तन में, जिस उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप ग्लास ले सकते हैं, छोटे वाला ग्लास, कप या बाउल, किसी भी में भी आप उसको, तो एक चम्मच आपने जीरा लिया और उस जीरे को आपने किसी भी बाउल या ग्लास में आपने उसको डाल दिया। अब आपने उसमें क्वांटिटी डालनी है पानी की, कितनी डालनी है कि आपको, अगर मान लो आपका एक ग्लास है वाटर, तो आप कोशिश करें कि जितना आप पी सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आधा गिलास ही पी पाऊंगी, तो आप उसमें आधा गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा डालें। अगर एक बाउल में अगर आप कर रहे हैं तो आप उसको पूरा भर सकते हैं, छोटी जो हमारी कटोरी होती है, या अगर आप गिलास में उसको डाल रहे हैं तो आप फुल गिलास में आप कर सकते हैं। लेकिन आप उसमें अपनी क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग, अगर आप पूरा गिलास पी सकते हैं तो आप उसको फुल कर दी, क्योंकि हमें इसको बाद में इसका प्रोसेस
डिफरेंट रहेगा, हमें खाली जीरे को और नहीं जीरे के उस पानी को नहीं पीना हमें। तो आपको क्या करना है कि जितना आपने एक चम्मच जीरा लिया तो उसको आप एक गिलास पानी में आप उसको डिप करके रख दीजिए, उसको ओवरनाइट उसको सोक करने दीजिए। जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हैं आपको क्या करना है, आपने उस ग्लास में या बाउल में जो आपने जीरे को डिप कर रखा है एज इट इज़ उसी वाटर को आपने एक छोटी सी पतीली लेनी है, कोई भी बर्तन आप लें उस बर्तन में आपको उसे शिफ्ट करना है और आपको उसको दो से तीन मिनट तक आपको उसे अच्छे से उबालना है, ज़्यादा नहीं उबालना, हार्डली 2 से 3 मिनट तक, कि जितने भी उसके अंदर हम प्रोटीन्स मिनरल्स वगैरह जितने भी विटामिन हैं जो भी उसके अंदर हैं जीरे के अंदर वो सारे के सारे उस पानी के अंदर आ जाएं। अब कुछ क्या करते हैं कि रात को जीरा भिगो के रख देते हैं और एज इट इज़ सुबह वो जीरे को फेंक देते हैं और पानी को वो पी लेते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जीरे के पानी जीरे को आप एज इट इज़ फेंके ना, क्योंकि ओवरनाइट जब हम उसको सोक करके रखते हैं तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हो जाती है ना जो उस पानी के अंदर हमारी आ जाती हैं और कुछ जीरे में भी रहती है। तो हम उसको अच्छे से उबाल लें, 2 से 3 मिनट तक आपको उसको बॉईल करना है और फिर उबालने के बाद आप गैस फ्लेम को बंद कर दीजिए, उसको ठंडा होने दीजिए और फिर शिफ्ट कर लीजिए जिस बर्तन में आपको उसे पीना है। तो अब इसको पीना कैसे है, अगर आपने अपने इतनी सी ही क्वांटिटी बनाई है कि आपको मॉर्निंग में ही पीना है तो आप उसको 50% आप उसको ठंडा कीजिए, प्रॉपर आपको गर्म नहीं पीना है और ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं पीना है, क्योंकि अगर आप उसको बिल्कुल ठंडा पियेंगे तो आपको बिल्कुल भी उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको उसके प्रॉपर रिजल्ट्स चाहिए तो आपको उसको थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा 50%, जैसे हम लाइक हम चाय पीते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपको उसको सिप कर करके पीना है। तो इसका फर्स्ट यही रहेगा हमारा मॉर्निंग का शेड्यूल जो है कि आपको जीरे को अच्छे से उबाल कर वो पानी आपको पीना है, सिप कर करके पीना है। और जो पानी एक्स्ट्रा अगर आपका बच जाता है, अगर आपने एक गिलास से ज़्यादा पानी लिया है मॉर्निंग में, आपको पानी अगर आपने रात को पानी कम डाला है तो मॉर्निंग में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी उसमें डाल सकते हैं, नहीं तो आप रात को उतना ही पानी डालें कि आपको मॉर्निंग में उसमें और पानी ऐड करने की आपको नीड ना रहे। तो उसी पानी को आप पूरे दिन में अगर आप फिनिश करना चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके वो ठंडा हो जाएगा, दोबारा से हल्का सा उसको फिर हल्का सा आप गर्म भी कर सकते हैं या आप उसको एज इट इज़ भी दिन में पी सकते हैं, लेकिन मेन इसका होता है मॉर्निंग का। तो आप मॉर्निंग का ही शेड्यूल रखें कि जितना आपने किया है उसको आप उसी टाइम अपना फिनिश करें। आप एक कप ले सकते हैं पानी, एक कप कम से कम आपको पीना है, सिप कर करके चाय की तरह आपको पीना है। ये इसका मॉर्निंग का आपका ये शेड्यूल रहेगा कि आपको मॉर्निंग में उठते ही आपको जीरा वाटर आपको ज़रूर पीना है। और ये जीरा वाटर मैं आपको डेफिनेटली मैं आपको इसके अच्छे अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, आप ये ट्राई करके ज़रूर देखना, पहली चीज़ ये। और इसकी सेकंड थिंग ये रहेगी कि जब आपने ये रेडी कर लिया है अब आप इसको पियेंगे कैसे। अब हमारी इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी होती है कि अगर हम काम कर रहे हैं खड़े खड़े, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मैंने उठाया और मैंने ऐसे ही पी लिया, तो ये चीज़ें नहीं होगी। आपको पहले दोनों पैरों पर आपको उकड़ू बैठना पड़ेगा, उकड़ू बैठेंगे देन आपको उसके बाद फिर ये आप पानी आपको पीना पड़ेगा। तो ये उन लेडीज़ के लिए स्पेशल है कि जो अपने टमी को लेकर और अपना फैट को लेकर कि हमारा टमी कम नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे होते हैं कि उनकी पूरी बॉडी स्लिम होती है लेकिन उनका टमी दिखाई देता है आफ्टर डिलीवरी, तो ये उनके लिए स्पेशल होने वाली है आज की वीडियो। तो आप इसको उकड़ू बैठ के आप इसको पिए, पीने के बाद आपने इसको पी लिया, पीने के बाद आपको कम से कम आधे से एक घंटा आपको कुछ भी नहीं खाना है, उसके बाद आपको इसको डाइजेस्ट करना है। अब डाइजेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप घर के काम काज में लग गए, वो एक अलग चीज़ है, वो ऑटोमेटिक डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन उसको पीने के कम आपको 15 से 20 मिनट तक आपको हल्की सी आपको वॉक जरूर लेनी है। वॉक के साथ साथ आपको फिर प्राणायाम भी करना है, ये 2 से 3 चीज़ें हैं। तो आपको 15 मिनट्स आपको अपने डेली शेड्यूल में अगर आप मॉर्निंग में कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप मॉर्निंग में वॉक नहीं कर सकते तो इवनिंग में आप जरूर वॉक कीजिए, 10 to 15 मिनट्स आप एक हल्की सी वॉक जरूर लें, इवनिंग में आप वॉक जरूर करें। तो आपको एक टाइम आपको वॉक अपने शेड्यूल में जरूर इंक्लूड करनी है, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होगा कि खाली हमने जीरा वाटर पिया, चलो जी आपने बोला था कि हमने अब जीरा वाटर पियो तो आप ठीक ऐसे मतलब आप स्लिम ड्रिम हो जाओगे, नहीं, वॉक आपको जरूर करनी पड़ेगी। भले ही आप 15 मिनट्स करें, मॉर्निंग इवनिंग कैसे भी आप करें, आप टाइम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मॉर्निंग का करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये थी हमारी सेकंड थिंग आज की। तीसरी जो चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने एक प्राणायाम मैंने अपने इस वीडियो में मैंने करके दिखाया है। तो और पेट के लिए जिनको अपना पेट कम करना है, टमी के लिए स्पेशल एक्सरसाइज है, आपको
इजीली आपको बैठ जाना है, दोनों पैरों को सीधा करके और दोनों हाथों को आपको कोशिश करनी है 2 से 3 मिनट तक अपने पंजों को हाथ लगाना, अपने पैरों के जो हमारे टूल्स होते हैं, अपने हमारे पैरों की अंगूठे उंगलियां होती हैं उनको आपको टच करना है। इससे क्या होगा, ये आपको आप 5 से 7 बार 8 बार आप कर सकते हैं, अगर आप 2 टाइम्स कर सके तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आपको मॉर्निंग में तो ये करना ही करना है। जीरा वाटर पीने के बाद या तो आपको हल्की वॉक करनी है, अगर आप वॉक नहीं कर पाए तो आपको ये प्राणायाम तो आपको ज़रूर करना होगा। अगर आप प्राणायाम आपसे मिस हो गया तो आप वॉक ले सकते हैं, तो कभी कभार तो चलो चल जाता है लेकिन आपको ये चीज़ें छोड़नी नहीं है, खाली जीरा वाटर से कुछ नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ें अपने लाइफ में थोड़ा सा ना हमें अपने रूटीन में हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो आपको 5 to 7 times आपको ये करना है, और कोशिश करें कि जब आप अपने हाथों को अपने पैरों से टच कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप थोड़ी सी लॉन्ग ब्रीदिंग करें, और उस टाइम पर आप करें तो जैसे ही अगर आपने कंटिन्यू किया आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, 15 टू 20 डेज में ही फील करने लगेंगे कि आपका जो टमी है वो धीरे धीरे करके थोड़ा सा ही सही लेकिन वो धीरे धीरे करके अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमारा पेट से रिलेटेड नहीं है, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर हमारे टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी हमारा जो फैट बनना है, जो जिन चीज़ों से हमारा फैट बनता है वो धीरे धीरे हमारा कम हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हमारी बॉडी से पसीना निकलेगा तो पसीना निकालना बॉडी में वॉक के टाइमिंग होता है या फिर एक्सरसाइज के टाइमिंग होता है। तो ये आप ये वाला योग आप जरूर करें बैठ के, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, जो आप देख रहे हैं ये वाला। इसके साथ अगर आप कर सकें ना तो कपाल भारती प्राणायाम ये आप ज़रूर करें, और जो सबसे ज़्यादा जो मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स मिले हैं वो मुझे वॉक से मिले हैं, क्योंकि मेरा 75 kg मेरा वेट था बेटी के टाइम पर, मैंने वॉक कभी भी नहीं छोड़ी। तो आपको करना यही है कपाल भारती प्राणायाम। कपाल भारती प्राणायाम आप बिल्कुल ईजी हैं, आपको लॉन्ग ब्रीदिंग करनी है, लॉन्ग ब्रीदिंग करने के बाद अपने नोज से दोनों लेफ्ट से भी और राइट से भी धीरे धीरे करके आपको ब्रीथ को बाहर की तरफ आपको छोड़ना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कपाल भारती प्राणायाम, और ये कपाल भारती आप करके देखें एक बार, कुछ 2 से 4 बार आप करेंगे, थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आपको हो सकती है जिनका वेट ज़्यादा है या जिनको थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, और कपाल भारती प्राणायाम से आपकी और भी आपकी चीज़ें थोड़ी सी जो हेल्थ इशू हैं कपाल भारती प्राणायाम से वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपका BP वगैरह भी कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये चीज़ें आप ज़रूर ट्राई करें। तो फर्स्ट हमारा आज का था जीरा वाटर, ये आज से ही आप शुरू कर लीजिए, और 1 month अगर आपने जीरा वाटर पी लिया और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं तो करवा चौथ तक स्पेशल, जो भी फेस्टिवल हमारे लिए स्पेशल होता है वो आने वाला है, तो करवा चौथ तक आप कम से कम अपना ज़्यादा नहीं तो 5 से 6 kg 7 kg आप ज़रूर अपना वेट कम कर पाएंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन होना चाहिए, साथ में आपको वॉक भी करनी है, और जो 2 प्राणायाम मैंने आपको बताई हैं वो 2 प्राणायाम आपको जरूर करने हैं। डेफिनेटली आप करवा चौथ फेस्टिवल तक कुछ इंचज अपने जरूर कम कर सकते हैं, और आप अपनी अच्छी सी आपको जो ड्रेस आपको वेयर करनी है वो आप डाल सकते हैं। और अगर आप चाहें कि अगर आपका एक्सेस में वेट है, थोड़ा सा कुछ और अगर आपको हेल्प मिल जाए तो वो भी मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ कि आप भूखा बिल्कुल भी ना रहे, अच्छे से आप अपना खाएं ब्रेकफास्ट, आप अपना अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट आप लें। आप चाहें तो आप दोपहर का खाना आप अवॉइड कर सकते हैं, और हर दो से ढाई घंटे के बीच में आप ज़रूर कुछ ना कुछ खाएं, चाहे फ्रूट्स लें कुछ भी खाएं आप, लेकिन भूखा ना रहें। अगर आप भूखे रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो डाइटिंग का मतलब आप भूखा बिल्कुल भी ना रहें, ब्रेकफास्ट आप अपना हेल्दी करें, दोपहर का भोजन आप दोपहर का जो खाना होता है ना लंच वो आप हल्का सा अगर चाहें तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा कम क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। दोपहर में आप रोटी के बजाय आप दही ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, और वेजिटेबल खिचड़ी, प्लेन खिचड़ी नहीं, वेजिटेबल खिचड़ी के साथ आप दही ले सकते हैं और सैलेड ले सकते हैं। और 3:30 से 3 बजे के बाद अगर आपने को भूख लगी है 4 बजे के आसपास तो उस टाइम पे आप फ्रूट्स जरूर लें। और फ्रूट्स आपको कौन से लेने हैं, एक तो आपको वेजिटेबल में आलू को अवॉइड करना है, क्योंकि आलू में स्टार्च होता है जिससे हमारा फैटी लेवल ज़्यादा बढ़ता है। अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं कि हमें जल्दी हमारी इन चीज़ कम हो, हमारा फैट कम हो, हमारा पेट थोड़ा सा कम हो जाए, टमी कम हो जाए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा
त्याग तो करना ही पड़ेगा। तो आलू को थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, मतलब कम क्वांटिटी में। कुछ घरों में मॉर्निंग में भी आलू की सब्जी बनती है, रात को भी आलू की सब्जी बनती है, भर भर कटोरी खाते हैं, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। तो आलू को आप अपने खाने में थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। सेकेंडली, आप जो भी आप फ्रूट्स खा रहे हैं उसमें फाइबर वाले खाएं, रेशे वाले खाएं, जैसे कि अभी हैं अब गर्मियों में जैसे तरबूज है जिनमें वाटर लेवल ज़्यादा होता है, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, वेजिटेबल्स जितनी भी हमारी आती हैं, ककड़ी होगी, ककड़ी, खीरा हो गया, जितने भी ये हैं फ्रूट्स, इस तरीके के हमें फ्रूट रेशे वाले पानी वाले आपको फ्रूट्स खाने हैं। ज़्यादा गुदे वाले फ्रूट्स आप अवॉइड करें। आप अनार वगैरह खा सकते हैं, खरबूजे, इनमें पानी लेवल ज़्यादा होता है। इस तरीके के फ्रूट्स आप खाएं जिसमें रेशा होता है। और मल्टीग्रेन आटे का यूज़ करें अपने खाने में, प्लेन आटा ना खाएं, मल्टीग्रेन आटा आप खाएं। तो उससे होगा क्या कि हमारा जितने भी हमारा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का जो भी हमने खाया है आप अच्छे से खाएं। आप अगर आप चाहें तो आप डिनर जो है, डिनर अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो डिनर की जगह कुछ लाइट खा सकते हैं। दिन में आप अच्छा अपना खाना खा सकते हैं, आपको शेड्यूल अपना थोड़ा सा कर सकते हैं आप। या ब्रेकफास्ट अगर आपने हैवी कर लिया तो लंच आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपने ब्रेकफास्ट लाइट किया है तो आप लंच थोड़ा सा हैवी कर लीजिए, फिर आप डिनर तक आते आते रात को वैसे भी कम खाना चाहिए, तो आप डिनर को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। डिनर में आप वही पोहा, लाइक खिचड़ी, वेजिटेबल, मल्टीग्रेन, कुछ ऐसा इस टाइप में आप ले सकते हैं। और अपने खाने में अगर आप इस तरीके की अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा आप ड्राई फ्रूट्स का यूज़ जरूर करें। रात को ड्राई फ्रूट्स आप पानी में डिप करके रख लीजिए। आप ब्रेकफास्ट अगर नहीं करना चाहते तो दूध के साथ तो आप उसको ड्राई फ्रूट्स का आप ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप दूध के साथ आप ले सकते हैं तो उससे ज़्यादा वो गर्म भी नहीं होंगे और हमारे जो हमें विटामिन अभी चाहिए हैं इस टाइम पर, क्योंकि हमारा अगर खाना अगर हमने थोड़ा सा कम कर दिया है, वॉक वगैरह भी हम कर रहे हैं, थकावट हमें हो रही है, तो उससे हमें थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी। तो ये आप करके देखें। और आप फोटो देख रहे होंगे तो मेरा भी काफ़ी वेट कम हो गया था, लेकिन मैं कभी भी वॉक नहीं छोड़ती। मैं डेली रूटीन है मेरा वॉक करने का, तो वॉक आप ज़रूर करें और पॉजिटिव सोचें और अच्छा सोचें। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें सभी पॉजिटिव ही लगेंगे। तो अच्छा सोचें, अच्छा देखें, ऐसा मेरा मानना है। पॉजिटिव सोच से रखने से सब अच्छा होता है। तो चलिए, आज की मेरी वीडियो थी ब्यूटीफुल लेडीज़ के लिए कि ताकि वो अपने कुछ इंचेस कम कर सके। तो चलिए जी, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आपको अच्छा रिजल्ट मिले मेरी इस टिप्स एंड ट्रिक्स से, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना कि आपको कुछ अच्छा लगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो फिर दोबारा से आपको आपके लिए मैं बनाऊंगी। और आप अपने दिनचर्या में, आप अपने रूटीन में डिटॉक्स वाटर का भी यूज़ ज़रूर कर सकते हैं और वो बिल्कुल हेल्दी रहता है, एल्कोइन वाटर होता है। मेरी लास्ट वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने दो वीडियो मैंने अपने पीछे शेयर की हैं डिटॉक्स वाटर के रिकॉर्डिंग, वो आप ज़रूर बनाएं। उस वो हमारे लिए हेल्दी भी होती है और जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स जो नहीं बनने चाहिए वो बन रहे हैं, तो वो उसको रिमूव भी करेंगे। तो डिटॉक्स वाटर में कोई आपको वो नहीं कि अगर आपने डाइटिंग शुरू कर रखी है, आप डाइटिंग ना भी करें या कर भी रहे हैं तब भी आप उसको डिटॉक्स वाटर को लेते रहें। वीक में आप कम से कम 2 या 3 बार डिटॉक्स वाटर का यूज़ ज़रूर करें। और डिटॉक्स वाटर की को बनाया कैसे जाता है वो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो हो सकते हैं आप भी स्लिम ड्रेन, हम कोशिश कर सकते हैं। तो अगर इससे कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ तो नेगेटिव भी कुछ नहीं होगा। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं जल्दी।